वर्चुअल सम्मेलन में जदयू कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। जिला उपाध्यक्ष मनोनयन पर कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। प्रखंड क्षेत्र के जदयू कार्यालय कुर्सेला में रविवार को जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह एवं बिहार प्रदेश जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एवं डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर टीकाकरण जागरूकता अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से लेकर जनता के बीच वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जदयू जिला अध्यक्ष रोशन कुमार ने की। जिला अध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि पार्टी के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लोगों को जागरूक करने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से निर्देश दिया गया कि वह अपने अपने क्षेत्रों में आम जनों के बीच जाकर जागरूकता को लेकर कार्य करें। नव मनोनीत जिला उपाध्यक्ष अखिलेश राय ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उन पर जो विश्वास जताया है इसके लिए वो सबों के शुक्रगुजार हैं। वहीं पार्टी के मजबूती तथा संगठन के लिए वो अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर युवा प्रखंड अध्यक्ष जदयू महेश मंडल बबलू तथा कुमोद कुमार मंडल अजीत मेहता विधानसभा प्रभारी अमित यादव प्रवक्ता शंकर पटेल मोहम्मद सिराजुल गौतम कुमार राजेश कुमार इत्यादि उपस्थित थे। जी कोविड 19 के काल में दूसरी तरफ बाढ़ की आपदा भी आने को है, इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष का वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, जानकारी चाहेंगे आपसे। आज हमारे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र बाबू जी के द्वारा वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेडीयू ऑनलाइन हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के फेसबुक पेज पर आरसीपी बाबू के पेज पर डायरेक्ट लाइव प्रसारण हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कोरोना काल में हमारे सरकार के द्वारा जो आम जन के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई जिससे वो लाभान्वित हुए, कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे, इनके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई और भी अनेक तरह की जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही। और इस थर्ड फेज को देखते हुए कोरोना काल में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ये वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज संगठन विस्तार को लेकर देखा गया कि सभी जगह जो है नए नए रूप से युवाओं को जो है जोड़ा जा रहा है, जिस कड़ी में आज जानना चाहेंगे कि किनका मनोनयन हुआ है और क्या उम्मीदें हैं उनसे। पूरे बिहार में हमारे उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष युवा जदयू के अंकित तिवारी जी के आदेश पर संगठन विस्तार करने का निर्देश प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में हम लोगों ने 16 प्रखंड अध्यक्ष को मनोनीत कर मनोनयन पत्र दिया एवं साथ ही 7 विधानसभा प्रभारी को भी मनोनीत किया गया है और जिला कमेटी के उपाध्यक्ष के पद पर हमारे कुर्सेला के निवासी अखिलेश राय जी का चयन हुआ है। इनको जिला में उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और इनको आज माला पहनाकर पत्र देकर बधाई भी दी है। जी आपसे आपका परिचय जानना चाहिए। रोशन मंडल युवा जिलाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष के पद पर जदयू के युवा दल में आपका आज मनोनयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? हम अपने पूरे बराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता से जो हमारे आसपास इनके भीड़ के अगल बगल हम आप सबसे मिलते जुलते रहते हैं और सबको अभी कोरोना काल में सबसे पहले यह संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग भीड़ भाड़ से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जो हमारे बिहार के मुखिया श्री नीतीश बाबू, आदरणीय आरसीपी बाबू, सब लोग जो है कि यही संदेश हर एक गांव ग्राम को देना चाहते हैं कि वो लोग कोरोना काल से बचें। यह भयानक महामारी है, जान है तो जहान है। इस लक्ष्य को लेकर हर एक आदमी को हम लोग संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वर्चुअल मीटिंग के दरमियान अभी जो आरसीपी बाबू का जो प्रोग्राम चल रहा था लाइव, तो हम लोग सारी बात जानकारी में लिए और प्रयास करेंगे कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में जो जहाँ तक उन लोगों को भ्रमित किया जाता है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सारे विषय और तथ्यों को हम आम जनों के बीच में रखेंगे और हमारा जो एनडीए जदयू का जो अपना एक गठबंधन है उसको मजबूती देने के लिए और अफवाह फैलाने वालों को मुंह बंद कराने के लिए सारा विषय पे हम लोग काम करेंगे और आम जनता को सरकार के अच्छी नीति के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए सरकार क्या पहल कर रही है ये सारे संबंध में उन लोगों को जानकारी देंगे।
सबसे पहले अभी हम लोग को कोरोना काल से बचना है। आपको जदयू का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? इस संदर्भ में क्या कहेंगे, हम तो अभी तो 20 साल से तो एनडीए और जदयू के ही पक्ष में सब दिन काम करते रहे और सब आमजनों को सब बात से आग्रह करते रहे, बताते रहे कि हमारी सरकार किस ढंग से काम कर रही है और आगे का क्या रणनीति है। आगे जो भी रणनीति सरकार का होगा, हम लोग हमारे जिला के रोशन भैया जी जिला अध्यक्ष, उनके विचारधारा को देखते हुए हमें अपार खुशी हुई कि उन्होंने आज हमें जिला उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। और मैं श्रद्धा और विश्वास से ऊपर वाले से कामना करता हूं कि हमारी जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, उसको आम जनों तक निभाने का काम करेंगे। आप अपना परिचय? अखिलेश कुमार राय, जिला उपाध्यक्ष जदयू।